नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आने वाले एग्जामों में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है SSC दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन चल रही है और उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों, जो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, एरावत। जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 15 अगस्त 1995। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस राज्य से हुई है? दोस्तों, भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और जहाँ से शुरुआत हुई थी वो राज्य हमारा दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सिक्किम से। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो सिक्किम से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर। अगला प्रश्न है हमारा, फोगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम फोगाकू है, ये किस देश का है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, जापान। जो फोगाकू सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो जापान का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? दोस्तों, दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर वो किस देश का है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब विकसित किया गया? जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, और ये कब विकसित किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी, 1991 में भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम परम 8000 रखा गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल के जनक कौन है? जो हम ईमेल करते हैं दोस्तों, उनके जनक कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, ई टॉमलिंसन। जो ई टॉमलिंसन है ये ईमेल के जनक हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को दोस्तों भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जो दोस्तों कंप्यूटरों में मोबाइलों में चिप लगी होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, कौन से पदार्थ की बनी हुई होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सिलिकॉन। जो हमारी चिप बनी हुई होती है अपने मोबाइलों में, या 2GB की आपने चिप देखी होगी, या कंप्यूटर में जो चिप लगी रहती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? जो दोनों कार्य करता है, गणना भी करता है वो और मूल्य निर्धारण भी करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप पेट्रोल पंप पर तेल डालवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि 50 रुपये का डाल दो, या 100 रुपये का डाल दीजिए, या 500 रुपये का डाल दीजिए। तो वो जो पेट्रोल डालने वाले होते हैं उसमें, वो आपने कहा 100 रुपये का डाल दो, तो वो 100 रुपये अंकित करते हैं उसमें, और पेट्रोल की जो दर होती है कि 100 रुपये में इतने रुपये इतने लीटर मिलेगा, वो ऑटोमेटिक भर जाता है। तो उसमें कौन सा कंप्यूटर लगा होता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो पेट्रोल पंप पे कंप्यूटर लगे होते हैं मशीनों में, वो हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 1946। 1946 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी भारत में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों हर कोई मोबाइल चलाता है, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया था ये शायद आपको नहीं पता होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, ग्राहम बेल जो हैं इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और बिदर्स जो हैं इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इसी के साथ दोस्तों ये हैवियन जो है, हैवियन इन्होंने जो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो होता है दोस्तों फ्रिज, उसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? जो कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी वो कौन सा थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, फोटोन। जो कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी वो थी फोटोन। तो दोस्तों इसमें जावा भी जो है, जो जावा है ये भी कंप्यूटर की ही एक भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2019 की अवधि तक ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा था? क्या ये कहीं है दोस्तों 2019 में कौन सी विंडो आई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विंडो 10। दोस्तों विंडो 10 जो लॉन्च हुई थी वो 2010 में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो हम कंप्यूटर के प्रश्न दे रहे हैं उसी का सवाल है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, और दोस्तों ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। अधिकतर आप जो है हॉपलेक्स होगा, कुछ गलत लगा देते हैं। दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको, इसका सही आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के आविष्कार किया था, ये कहिए कि कंप्यूटर के जनक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। मतलब जो आपके कंप्यूटर में बूट सिस्टम होता है उसके जो सारी फंक्शन होते हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है BIOS में। BIOS में हमारे कंप्यूटर का जो बूट सिस्टम होता है वो उसमें संग्रहित होता है या उसमें एंटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की गलती को क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए, गलती आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ए, बग। जो कंप्यूटर में गलती होती है उसे हम बग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीपीयू का एक भाग नहीं है। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मेमोरी यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों सीपीयू का भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा भाग सीपीयू का नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट दोस्तों सीपीयू का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीपीयू। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिससे चिप बनती है सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है? जो सिलिकॉन वैली है जिससे सिलिकॉन, जो जिससे चिप बनाई जाती है, वो भारत में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलुरु। जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों वो बेंगलुरु में है। दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, SSC दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।